हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअल एड्स के बारे में, मतलब कि वैसे एड्स जिसको हम लोग देख के समझते हैं कि अब जो भी पायलट है वो देख के समझता है कि आपको जो एयरक्राफ्ट को कैसे लैंड करनी है। तो उसमें जो मेजर विजुअल एड्स होते हैं एयरपोर्ट मार्किंग और एयरपोर्ट लाइटिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे जो है जो मेन ऑपरेशंस होते हैं एयरक्राफ्ट के, वो है लैंडिंग और टेक ऑफ। और लैंडिंग और टेक ऑफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और उसके उसको हम लोग सेफली करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर हमारे पास पता होना चाहिए, जो भी एयर पायलट है उसको पता होना चाहिए कि आपका जो है एयरपोर्ट में रनवे का लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे और सब फैसिलिटी है। तो अगर जो एयरक्राफ्ट में पायलट है जो वो आपके जस्ट अप्रोच कर रहा है एयरपोर्ट को, तो उसके सामने जो है पूरा एयरपोर्ट का जो लार्ज एरिया भी स्मॉल दिखता है, तो स्मॉल में ही उसे जज करना पड़ता है कि आपका रनवे कहाँ है, किस लोकेशन में आपको किस डायरेक्शन से मूव करना चाहिए ताकि आप जस्ट वहाँ पे टच डाउन कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली लैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एयरपोर्ट्स की, जिसको जो पायलट है वो अपने हिसाब से समझ सके, देख सके और इंटरप्रेट करके ईजिली वहाँ पर लैंड कर सके। तो इसलिए इसकी जो हमें ज़रूरत पड़ती है विजुअल एड्स की। तो विजुअल एड्स का जो पर्पस है कि इसकी वजह से है किस तरह का एक्सीडेंट को हम लोग अवॉइड करते हैं, मतलब कि उस पायलट को पूरा आइडिया हो जाए कि कहाँ पे आपका रनवे है, कैसे वो टच डाउन करना है, कहाँ पे आपका एंडिंग है, कहाँ पे स्टार्ट है रनवे का, ये सारी चीज़ें हमको पूरी तरह से दिखनी चाहिए। टू कन्वे टू द पायलट द ग्राउंड और टू एयर विजुअल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैंडिंग। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टच डाउन करने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पायलट को पास पहुँचनी चाहिए। टू डायरेक्ट द पायलट टू मेक द लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इन द लैंडिंग एरिया ओनली, जहाँ पे लैंडिंग का एरिया है वहीं पे लैंड करने के लिए हमारे सारी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हम लोग को एयर पायलट को प्रोवाइड करनी पड़ती है। टू इनेबल द पायलट टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर फीचर स्पेसिफाइड बाई मार्किंग। तो पायलट को पूरा इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचता रहे हमेशा कि आपका जो कौन सी फीचर को वो किस लोकेशन पर है, तो उसके लिए प्रॉपर हम लोग को मार्किंग करने की जरूरत पड़ती है। पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है सारे लोगों को, और जो भी आसपास की प्रॉपर्टीज है कहीं आपको किसी तरह कॉलिजन या कॉन्फ्लिक्ट से बचना होता है। तो इसका पर्पस ये भी है कि मेंटेन किया जाए प्रॉपर फ्लो ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब कि जो सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड होने वाले हैं, एक के बाद एक लैंड करने वाले हैं, तो उसका प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन रखा जाए, फ्लो को मेंटेन रखा जाए। टू सेटिस्फाई द विजुअल रिक्वायरमेंट फॉर टेक ऑफ एंड टैक्सिंग। तो उसके बाद जो टेक ऑफ करने जाना है, टैक्सी करके आपको एप्रोन पर लेके जाना है, एप्रोन से आपको रनवे पर लेके जाना है, तो इसके लिए सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो भी जिस पाथवे को मतलब पायलट को फॉलो करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर डे टाइम में है, जो नेचुरल लाइट्स की वजह से जो भी हमारे पास मार्किंग है, जो भी आपके साइन सिंबल है, वो प्रॉपरली विजुअल होने चाहिए और ऐसी तरह से पेंट होने चाहिए ताकि जो है जो डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा जो पेंट है वो अलग कलर का होना चाहिए, ताकि जो कलर के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो, मतलब कि सेम कलर का नहीं होना चाहिए, ब्लैक है तो वाइट, वाइट है तो ब्लैक, वाइट के साथ रेड, रेड के साथ येलो, इस तरह का कुछ कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि जो है दूर से ही आप चेक देखा जा सके कि आपका कहाँ पे कौन सा फीचर्स है, और मतलब बाद में उसके अकॉर्डिंग जो पायलट है वो फॉलो कर सके उसको। उसके अलावा रात के सिचुएशन में या फिर बैड वेदर कंडीशन में जो प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं होती है, तो उसके केस में भी हमारा जो है इन्फॉर्मेशन है वो लाइटिंग के थ्रू या डिफरेंट मींस के थ्रू हम लोग को प्रॉपरली प्रोवाइड करना पड़ता है पायलट को, ताकि वो भी प्रॉपर लैंड कर सके। अब बात करते हैं कि हमारा जो पायलट का रिक्वायरमेंट क्या होता है विजुअल एड्स का। तो जो मेनली जो पायलट की जो शिकायत होती है कि वो उनके पास प्रॉपर जो है एडिक्वेटली मतलब रनवे लाइटिंग होती नहीं है, या फॉल्टी रनवे लाइटिंग होती है। तो सीरीज ऑफ रनवे लाइटिंग के जो है उसमें अगर कोई फॉल्ट है, कुछ में कुछ बल्ब जल रहे हैं, कुछ नहीं जल रहे हैं, कुछ लाइटिंग प्रॉपर कवर कर रहे हैं, कुछ वर्क नहीं कर रही है, तो आपको इस तरह से कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर सकती है। अगर कुछ तरह का नेविगेशनल एड्स है कि नेविगेशन किस तरह से करना है, किस स्लोप से आपको लैंड करना है, अगर ये प्रॉपर जो सिचुएशन है वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाएगी पायलट को, तो भी आपको ये इशू होती है। तो एयरपोर्ट पर जो है पायलट को जो है पहुंचने के लिए तो हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं, एक होता है डे टाइम का विथ क्लियर वेदर। तो डे टाइम में अगर वेदर क्लियर हो तो इस केस में हमारे पास सफिशेंट लाइट होता है, आपके पास आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि जो भी अगर फीचर्स हो उसमें
कलर में कॉन्ट्रास्ट हो ताकि हम लोग ईजीली आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद जो है पायलट को जो है रनवे पे एंटर करने से समय उसको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि जो आपका रनवे का है वो आइडेंटिफाई कर सके, रनवे के पास सेंटर लाइन कहाँ, एज कहाँ है, उसका थ्रोशोल्ड मतलब एंड कहाँ पे है, और उसके बाद वहाँ से वो आपका लैंड करने के बाद उसको टैक्सी करके मतलब उसको खींच कर आपको अपने एरिया में लेके जाना पड़ता है। तो जिस तरह जिस पाथ पे मूव करना है उसके अलॉन्ग भी मार्किंग होनी चाहिए। नाइट टाइम में आपका विजिबिलिटी कम होती है, तो इस केसेस में जो है हमारे पास या फिर मतलब कि जो मार्किंग है उस वो सक्सेस मतलब सफिशेंट नहीं होती है, तो उसके लिए हमारे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए ताकि हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए पायलट जो है उसको मतलब एयरक्राफ्ट को मूव कर सके और सारे मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट मार्किंग की। हम लोग इस लेक्चर में मेनली फोकस करने वाले हैं एयरपोर्ट मार्किंग पर, कि आप कौन कौन से जो है मार्किंग क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और वो किस तरह की दिखती है, किस तरह की प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली जो है हम लोग रनवे पे जो है मार्किंग है वो सारा मार्किंग के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो टैक्सिंग एरिया है, एप्रोन एरिया है, उस सब जगह पर हम लोग का जो मार्किंग होती है वो येलो कलर की होती है। तो बेसिकली हम लोग जो भी मार्किंग है उसको हम लोग 6 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, और इसको हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। एप्रन मार्किंग, लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर, रनवे मार्किंग, शोल्डर मार्किंग, टैक्सी मार्किंग, विंड डायरेक्शन इंडिकेटर। ठीक है, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एप्रन मार्किंग की। तो एप्रन एरिया में जो है कि आपको जो टैक्सी मतलब एयरक्राफ्ट है प्रॉपरली उसको लेके आना होता है, तो हम लोग का एप्रन एरिया को आप फुल्ली यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब हम लोग उसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट को पार कर सकें, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट को पार कर सकें पार करने के लिए जो भी है आपके पास प्रॉपर पाथवे होना चाहिए ताकि आप एयरक्राफ्ट को वहाँ पे लेके आए, और उसकी वजह से दूसरे एयरक्राफ्ट को किसी तरह का मतलब टकराव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए है कि आपका जो भी आपका रनवे होगा, ठीक है, रनवे से आपको लेके आना है एप्रोन एरिया में, तो एप्रोन एरिया में लेके आना है, तो उसके लिए प्रॉपर आपका रनवे से लेकर एप्रोन एरिया तक एक सेंटर लाइन का मतलब गाइडिंग मार्क होना चाहिए, जो कि गाइडिंग मार्क शो करेगा कि आपको किस पाथ पर आपको जो एयरक्राफ्ट का जो नोज गियर है या फ्रंट व्हील है उसको लेके आना है, ताकि आप प्रॉपर एक पाथवे फॉलो कर सके, और इसकी वजह से आपको कभी भी मतलब का जो एयरक्राफ्ट है कभी भी जो टैक्सी वे है या फिर जो भी पाथवे है उससे डेविएट ना हो, और उसके बाद कहाँ पे आपको रुकना है आपको पूरा प्रॉपर मार्किंग होना चाहिए कि जो गेट है उसका लोकेशन कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा दी जानी चाहिए एप्रोन में मार्क की जाती है। और उसके अलावा जो भी पेंट की जाती है येलो पेंट होती है मेनली, तो येलो पेंट जो होती है वो इस तरह से होना चाहिए, अब क्योंकि आपके एप्रन एरिया में फ्यूल स्पिलेज का इश्यूज आती है, तो इसकी वजह से जो है जो वाइट येलो कलर है वो फेड नहीं होना चाहिए, वो आपका मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के मतलब डैमेज रेसिस्टेंट फ्यूल रेसिस्टेंस आपका हम लोगों को पेंट इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर की। तो अगर आपका जो है एयरपोर्ट पे रनवे है, अगर सिर्फ सिंगल रनवे है तो सिंगल रनवे आप एक ही डायरेक्शन में मेनली हम लोग लैंड करते हैं, तो उसमें जो भी लैंडिंग डायरेक्शन के लिए हमारे जो इंडिकेटर होता है उसके रूप में हम लोग को एक क्या करते हैं कि एक सर्कल में वैसे सर्कल सेगमेंटल सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब ये ग्राउंड पर आपका सेगमेंटल सर्कल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जैसा कि आप देख रहे होंगे इस तरह सेगमेंटल सर्कल होता है, और उसके बीच में ये आपके 4 मीटर लेंथ का, 4 मीटर वाइड का, 0.4 मीटर थिकनेस का टी शेप का हम लोग एक पेंट करते हैं, जिसको जो कि वाइट कलर का हो सकता है या फिर येलो कलर का या फिर ऑरेंज कलर का हो सकता है, ताकि वो मतलब जब एयरक्राफ्ट आपके एयरपोर्ट एरिया से ऊपर फ्लाई कर रहा हो तो इजीली इसको चेक करके समझ सके कि आपका जो है आपका रनवे का डायरेक्शन कौन सा है, मतलब कि ये आपका रनवे डायरेक्शन है, तो हम लोग इस तरह से ये टी शेप में यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अगर आपका सिंगल रनवे है तो टी आपका फिक्स रहता है, लेकिन अभी किसी केस में होता ये है कि आपका रनवे आपका 2 डायरेक्शन में है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग रनवे है, तो अब दोनों डायरेक्शन में आप लैंड कर सकते हैं, तो इस केस में जो है लैंडिंग हम लोग उसी डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में आपका विंड का मतलब फ्लो हो रहा हो, तो विंड का फ्लो चेक करने के लिए हम लोग को इस तरह से जो टी शेप का ये वुडन का पीस का बना मेटल पीस का बना होता है और एक तरह से एक पाइवोट पे होता है, तो ये विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो रोटेट होता है ये,
तो विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये शो कर देगा कि आपको किस रनवे से आपको लैंड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब विजुअल एड्स प्रोवाइड करते हैं रनवे के पर आपके एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करने के लिए। अब बात कर लेते हैं रनवे मार्किंग करने के लिए। जैसे रनवे पर लैंड करना है तो उसके लिए प्रॉपर लैंड मतलब रनवे को समझने के लिए उसमें बेसिकली तीन टाइप के आपके मार्किंग होते हैं। तो फर्स्ट है आपके रनवे सेंटर लाइन मार्किंग, रनवे एज मार्किंग, रनवे नंबरिंग। तो रनवे सेंटर लाइन मार्किंग है, तो रनवे सेंटर लाइन मार्किंग एक तरह से एक ब्रोकन लाइंस होती हैं, सीरीज ऑफ ब्रोकन लाइंस होती है जो कि सेंटर लाइन पे आपका प्रोवाइड किया जाता है, जो कि वाइट कलर का होगा और 90 सेंटीमीटर विड्थ का होगा। रनवे एज स्ट्रिप की बात की जाए तो अगर आपका स्मॉलर जो रनवे है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है तो उसमें हम लोग जनरली छोड़ देते हैं, या फिर अगर 40 मीटर 45 मीटर से ज़्यादा क्या है तो उसमें हम लोग मतलब एज लाइन दे देते हैं, जिसका 90 सेंटीमीटर विड्थ का कंटिन्यूस लाइन होती है ये एज। अब रनवे नंबरिंग की बात की जाए तो आपके जो है रनवे है उसका नंबरिंग करने के लिए मेनली इनको देखा जाता है कि रनवे में जैसे आप एंट्री करते हैं तो उस समय आपका मैग्नेटिक एजुमेथ क्या है, मैग्नेटिक एजुमेथ या फिर आप बोल सकते हैं होल सर्कल बियरिंग क्या है उस रनवे का जस्ट एंट्री के टाइम में। तो उसके एंट्री के टाइम में जो भी आपका आपका होल सर्कल बियरिंग या मैग्नेटिक एजुमेथ रहेगा तो उसको हम लोग करते हैं कि उसमें हम लोग उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब अगर 39 है तो उसको 40 कर लेंगे, अगर 36 है तो 40 कर लेंगे, और 40 करने के बाद जो राउंड फिगर है उसको हमको लोग एक राउंड जो जीरो है उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, तो उसको लोग 04 बोलते हैं। अगर 40 डिग्री का आपका यहाँ पे होल सर्कल बियरिंग है तो हम लोग 04 बोलेंगे, और उस डायरेक्शन से जो है हमारा जो होल सर्कल बियरिंग होगा तो आप जानते हैं कि किसी भी सर्वे लाइन का जो फोर बियरिंग बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह तो यहाँ पे 40 डिग्री है तो इसका फोर बियरिंग तो बैक बियरिंग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 220 डिग्री। ठीक है, तो 220 डिग्री में हम लोग जो राउंड फिगर जीरो है उसको ड्रॉप कर देंगे तो आ जाएगा 22। तो सिमिलरली जो भी आपका रनवे होता है उसका जो दोनों नंबरिंग होता है उसका डिफरेंस जो होता है वो 18 का होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखा जाता है। तो जो भी अगर इंटरसेक्टिंग रनवे है तो उसका रनवे का नंबर क्या है वो डिपेंड करता है कि आपका उस रनवे का होल सर्कल बियरिंग क्या है, एजुमिथ क्या है। ठीक है, तो ये हमेशा दो दो डिजिट का होता है, तो ये 0 01 02 03 इससे बढ़ते हुए आपका 36 तक होता है। तो ये मेनली जो नंबरिंग है वो आपका शो करता है कि आपका डायरेक्शन कौन सा है, कि नॉर्थ से वो कितने एंगल पर बन रहा है। तो ये आपका जो भी है आपका जो डिफेंस हमेशा 18 होगा उसका, और इसको हम लोग 36 40 26 इस तरह से हम लोग रीड नहीं करते, इसको रीड करते हैं जैसे कि 28 है तो रीड करेंगे 30 है तो वो तो 30 बोलेंगे, तो इस तरह से रीड किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको राउंड फिगर को ड्रॉप करके हम लोग ये इसको मतलब नंबरिंग करते हैं। तो अब प्रॉब्लम जब आती है कि आपका जो अगर ये इंटरसेक्टिंग रनवे है तब तो आप उसके मैग्नेटिक बियरिंग के अकॉर्डिंग या फिर हो सके बियरिंग के अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग कर देंगे, लेकिन अगर पार्लर रनवे है तो पार्लर रनवे में सबका जो बियरिंग है वो सेम ही होता है, तो उसे केस में क्या करेंगे। तो उसे केस में हम लोग करते ये है कि हम लोग दो रनवे है तो उसको लेफ्ट राइट कर से डिनोट करते हैं, मतलब कि ये दो पार्लर रनवे है, तीन पार्लर रनवे है, तो इसके केस में क्या करेंगे हम लोग कि 02L 02C 02R द लेफ्ट सेंटर राइट, इस तरह का हम लोग कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको पता भी होगा कि मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता रहता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि रनवे का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमेशा 5 साल के बाद चेक किया जाता है कि आपका रनवे का ओरिएंटेशन सही है या नहीं है, अगर सही नहीं होता है तो उसकी नंबरिंग चेंज कर दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टच डाउन या लैंडिंग जोन की। तो प्रॉपर आपका जो रनवे में मार्किंग ऐसी होनी चाहिए ताकि पता चल सके आपके जो पायलट हो कि आप कहाँ टच करना है और किस तरह से मूव करना है। तो टच करने के लिए टच जो जोन है आपको उसके लिए यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिप्स प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे जो फर्स्ट होता है वो होता है थ्रोशोल्ड की, जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है रनवे या फिर एंड हो रहा है, तो वहाँ पर आपके स्ट्रिप्स होती हैं। उसके बाद टच डाउन के लिए स्ट्रिप्स प्रोवाइड की जाती है, और आगे बढ़ते हुए ये जो है स्ट्रिप्स वो घटती जाती है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से टच करना है और कहाँ तक आपको मूव करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका थ्रेशोल्ड मार्किंग, जो है आपके एंड में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रनवे एंड हो रहा है, ताकि उससे पहले ही आप वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है उसको आप उसको स्टॉप कर सकें। तो इसके लिए जो है जो एंड मार्किंग होती है वो 6 मीटर जो रनवे के एंड से पहले के मतलब रनवे के एंड के बाद यहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक है, 6 मीटर के डिस्टेंस पर। ये 45 मीटर का लेंथ होता है और उसका जो थिकनेस होता है वो होता है 3.6 मीटर, और दोनों के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो 0.9 मीटर रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रनवे की थ्रेशोल्ड मार्किंग करते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कभी कभी होता ये है कि रनवे का थ्रेशोल्ड मार्किंग के बाद मतलब उसको रनवे के अंदर उसको मतलब डिस्प्लेस कर दिया जाता है, मतलब रनवे की मार्किंग यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में होनी चाहिए लेकिन आपके यहाँ पर बढ़ा दी जाती है, ताकि जो है लैंड करने के लिए एयरक्राफ्ट यहाँ पर आए उसके पास सेफ्टी एरिया यहाँ पर अवेलेबल हो, यहाँ पर टच डाउन करें फिर आगे जाकर यहाँ पर स्टॉप हो सके, और जब आपको टेकअप करने का टाइम आए तो टेकअप करने के लिए आपके पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो। तो इसलिए थोड़ा सा आप कहीं कहीं लोकेशन पे इस तरह से डिस्प्लेस्ड आपके रनवे मार्किंग रनवे थ्रेशोल्ड मार्किंग होती है, और उसी केस में हम लोग ये सेंटर लाइन में ये एरो से शो कर देते हैं कि यहाँ पर ये जो रनवे मार्किंग है उसको डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है आगे की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे अगर आपके पैरेलल रनवे का केस है, तो अगर आपके दो रनवे हैं जो कि पैरेलल है तो उसकी जो नंबरिंग करनी होगी तो हम लोग करेंगे 02L 02R, अगर तीन पैरेलल रनवे है तो 02L 02C 02R होगा नंबरिंग उसका, अगर चार है तो इस केस में हम लोग LR LR लेफ्ट राइट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट 02L 02R 02 मतलब, तो अगला जो है एल करने के समय हम लोग उसको मतलब कि वैसे बियरिंग तो सेम ही होती है दोनों की, क्योंकि दोनों पैरेलल रनवे हैं, लेकिन हम लोग उसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 03L कर देंगे 03R कर देंगे। तो उसी तरह पांच रनवे हैं तो उसमें LCR LR कर सकते हैं, अगर छः है तो LCR LCR कर देंगे, पर जो पहला LCR होगा वो कम होगा, फिर अगला जो होगा उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 03C 03R कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग का मेन है पर्पस होता है कि आपको हर रनवे को एक नंबर से डिजिग्नेट करना, ताकि आप समझ पाएँ कि आपको किस रनवे पर लैंड करना है, किस रनवे से आपको मूव करना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शोल्डर मार्किंग की। तो आपका जो रनवे है, रनवे में तो शोल्डर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बेसिकली आपको जो आपका टैक्सी वे है, टैक्सी मतलब कि जहाँ से आपको एयरक्राफ्ट को खींच कर लेके जाना होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर आपके भी मार्किंग होनी चाहिए, ताकि आप जो भी एयरक्राफ्ट है उसको एक सेंटर में आप मेंटेन करते हुए आगे की तरफ मूव कर सके, ठीक है। तो उसके समय हम लोग करते ये है कि येलो कलर की पूरी मार्किंग होती है, और ब्लास्ट पैड अगर देना होता है तो उसी केस में भी हम लोग यहाँ पर इस तरह से वी शेप का मतलब येलो मार्किंग कर देते हैं हम लोग ब्लास्ट पैड का, जो कि 45 to 60 मीटर का होता है, जो कि येलो मार्किंग ही होती है। और जो भी आपका टैक्सी वे या होल्डिंग एप्रोन है उस पर पूरा इंड मार्किंग होता है, और उसके बाद यहाँ पे शोल्डर मार्किंग की जाती है जो लगभग 15 मीटर के डिस्टेंस पे होती है, मतलब जो आपके टर्निंग पे, और आपके जो स्ट्रेट होगा तो 30 मीटर का मतलब हम लोग गैप रखते हैं स्ट्रिप्स का। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 मीटर का स्ट्रिप गैप पर यहाँ पर ये शोल्डर मार्किंग की गई है। तो ये लगभग 90 सेंटीमीटर विड्थ की स्ट्रिप्स होती है, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं शोल्डर को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सी वे मार्किंग की। तो टैक्सी वे में आपको जो एयरक्राफ्ट को कैरी करके लेके जाना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग उसमें जो एयरक्राफ्ट का जो नोज गियर है, जो फ्रंट व्हील है, उसको मतलब मूवमेंट करवाने के लिए आपको एक मार्क पहले से बना रहे और किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इसके लिए प्रॉपर मार्किंग की गई रहती है। तो ये 15 सेंटीमीटर का येलो स्ट्रिप होती है सेंटर लाइन पे बनाई गई रहती है। तो अगर कोई इंटरसेक्शन हो टैक्सी वे का रनवे इंड का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे जो है जो सेंटर लाइन है वो आपके रनवे के एज तक जाता है यहाँ पे, कि वैसे आपको मूव करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही आपके नोज गियर को आपको मूव करवाना होता है। तो उसके अलावा है कि अगर कोई और इंटरसेक्शन होता है टैक्सी वे रनवे का, मतलब कि आपका पूरा रनवे ये है, ठीक है, और उसके भी इंटरसेक्शन हो रहा है टैक्सी वे का इस तरह से, तो इस केस में जो है हमारा जो पता होगा कि रनवे का जो सेंटर लाइन हो वो हम लोग इस तरह से डैश डैश शो करते हैं, ठीक है। जबकि टैक्सी वे का जो सेंटर लाइन होता है वो आपका
स्ट्रेट होता है, तो वह स्ट्रेट ही पास करता रहेगा, करता जाएगा पूरा रनवे के थ्रू। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपको जो एयरक्राफ्ट है रनवे का, वो एयरक्राफ्ट वहाँ से मूव कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए यहाँ पर टैक्सी वे है, टैक्सी वे का पता होना चाहिए यहाँ पर आगे का रनवे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टैक्सी वे का यहाँ पर क्रॉस कर रहे थे, तो यहाँ पर इस तरह से दोनों का सेंटर लाइन शो किया गया है। तो अगर यहाँ पर एक रनवे स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रनवे पर आप दोनों तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो इस केस में आपका सेंटर लाइन को हम लोग आगे की तरफ ले जाते हैं और सेंटर लाइन के पैरेलल रखते हुए लगभग 0.9 मीटर का गैप रखते हुए हम लोग यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी तरह आपका अगर डबल है तो डबल डायरेक्शन मूव कर सकते हैं तो डबल रहता है, नहीं तो अगर सिंगल डायरेक्शन में आपको एंट्री करनी होती है तो ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मार्किंग देते हैं आपके। तो विंड डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास एक विंड कोन होता है जो कि क्लोथ से बना हुआ होता है, एक रिंग में फिक्स किया हुआ एक क्लोथ से बना हुआ होता है जो कि लगभग 3.6 मीटर लंबा होता है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह रखा जाता है कि कलर कॉन्ट्रास्ट हो ताकि आप दूर से ही उसको देख सकें और उसका डायरेक्शन को समझ सकें। तो ये जनरली आपके जो टी शेप जो आपके रनवे के जो डायरेक्शन है, जो लैंडिंग डायरेक्शन है उसके ऊपर बनाया जाता है, और ये आपका शो करता है कि विंड डायरेक्शन किस तरह से है। और इसको आपको अगर पूरे एयरपोर्ट में ढूंढने में आसानी हो तो उसको इसके लिए जो है ये एक सेगमेंटल सर्कल के बीच में बनाया जाता है। तो सेगमेंटल जो सर्कल होता है वो एक पैनल के रूप में होता है, मतलब कि यहाँ पे इसका जो लेंथ होता है 3.1.8 मीटर टू 3.6 मीटर होता है, जिसके बीच का जो गैप है वो आपका रखा जाता है आपका लगभग 0.9 to 2.4 मीटर का विड्थ के साथ रखा जाता है, और गैप भी लगभग उसी के बीच में आपका रखा जाता है 1.8 to 3.6 मीटर के बीच में। और ये इसका जो शेप होता है, मतलब कि ये इस तरह से होता है कि अगर 3D में देखा जाए तो आपका इस तरह का ये गैबल रूप की तरह दिखता है, ये वो सारे जो आपके सेगमेंटल सर्कल है, और इसका स्लोप 1:1 का रखा जाता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा मार्क किए हुए रहते हैं जिससे आप ऊपर से देख सकें कि कहाँ पर आपका ये लोकेशन है। आपका ये जो टी शेप का जो ये सिंबल है ये शो करता है कि आपका किस तरह डायरेक्शन में आपका लैंडिंग डायरेक्शन है, और जो ये आपका विंड डायरेक्शन इंडिकेटर है वो शो करता है कि किस डायरेक्शन में विंड का अभी ब्लो हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एयरपोर्ट साइन के बारे में जो कि आपके लैंडिंग करने के बाद या फिर टेकअप करने से पहले जो एयरक्राफ्ट को मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि जो पायलट है वो समझ सके कि आपका जो पूरा नेटवर्क है आपके टैक्सीवे और रनवे का, उसमें आपको किस पाथ से मूव करना है, आपको जिस रनवे पर जाना है तो उसको डायरेक्शन कहाँ पे है। तो उसको समझने के लिए हम लोग ये सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है 422 जो कि एक रनवे का सिम्बॉल है, और रेड कलर का है मतलब कि होल्ड पोजिशन है। मतलब अगर इस तरह का सिम्बॉल दे रहा है तो आपको इस रनवे पर आने से पहले आपको होल्ड करना है, रुकना है। 26.8 है, इसको इस तरह रनवे पर होल्ड करने का सिचुएशन है, मतलब आपको वहाँ पर रुकना है। यहाँ पे 8 अप्रोच है, मतलब कि यहाँ पे अप्रोच एरिया में आपको जहाँ पे जो रनवे का 8 नंबर का है वहाँ पे आपको रुकना है। यहाँ पे ILS क्रिटिकल होल्ड पोजीशन है कि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम अभी यहाँ पे स्टार्ट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ेगा। अगर इस तरह का सिम्बॉल दिया रहा है तो मतलब कि एंट्री नहीं करनी है उस डायरेक्शन से। अगर ये ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में बी कलर लिखा हुआ हो तो वो आपका शो करता है कि यहाँ पे ये टैक्सी वे है और जहाँ पे एक एयरक्राफ्ट पार्क्ड है, एक एयरक्राफ्ट वहाँ पे लोकेटेड है। अगर ब्लैक कलर में येलो कलर का बीच में लिखा हुआ है इसका मतलब कि रनवे लोकेशन 22 है, जिस पर भी कोई एयरक्राफ्ट वहाँ पे स्थित है अभी रुका हुआ है। रनवे डिस्टेंस कितना बाकी है, मतलब रनवे आगे जो है कितने डिस्टेंस पर है आपका, वो आपका इस तरह से ब्लैक में वाइट के रूप में लिखा रहता है। कहाँ पे आपको रुकना है, किस डायरेक्शन इस लोकेशन पे रुकना है, तो ये मार्किंग की रहती है आपके टैक्सी वे पर। ILS के लिए इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम के केस में आपको कितने रनवे से पहले कितने डायरेक्शन डिस्टेंस पर आपको रुकना है वो आपको मार्किंग इस तरह रहती है। अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं बहुत सारे टैक्सी वे के नेटवर्क से, तो हर टैक्सी वे का अपना अपना नंबर हो, मतलब नंबरिंग की जगह पर वहाँ पर उसको डिनोट किया जाता है कोड से। तो कोड वहाँ पर मतलब अल्फाबेटिकल कोड होता है जो कि J है, तो मतलब कि J जो टैक्सी वे डायरेक्शन है वो राइट साइड में है, जो L है वो आपके लेफ्ट साइड में है। तो इस तरह से आप टैक्सी वे को आप वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो मतलब कि इस तरह से टैक्सी वे डायरेक्शन दिया जाता है, या फिर रनवे है तो रनवे के पास रनवे एग्जिट कैसे करना है, किस डायरेक्शन करना है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे उसके अलावा जो है आपका रनवे को
22 रनवे जो है वो आपको कहाँ से मूव करना पड़ेगा, आपको वो दिया रहेगा कि आपको किस डायरेक्शन से मूव करके आपको टेकअप करना है। उसके अलावा नेक्स्ट है कि आपको इनबाउंड डेफिनेशन, मतलब कि जो है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन से आप आ रहे हैं तो आपको किधर से आपको मूव निकलना है, वो सारी चीज़ें दी जाती है। यहाँ पे टैक्सी में कहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसकी मार्किंग ये रहती है, और जो आपका कि पूरा सिस्टम है मतलब कि एक लोकेशन से बहुत सारे आपके टैक्सी निकल रहे हैं तो इसमें जो है ए लाइन कहाँ पे है, जी लाइन किधर से है, एल लाइन किधर से है, वो सिक्स किया जाता है। जी लाइन पे अगर एयरक्राफ्ट होते तो यहाँ पे ब्लैक में येलो का सिंबल रहता है। तो इस तरह के आगे बहुत सारे सिंबल दिए रहते हैं। तो ये सब आपको वहाँ पे अगर कहीं एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के कॉमनली देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया कि आपका कि रनवे मार्किंग कैसे होती है और किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं पायलट्स लैंडिंग करने के लिए या फिर टेकऑफ करने के लिए और मूवमेंट करने एयरक्राफ्ट को मूवमेंट करने के लिए। तो अब बाकी रह गया कि आपका विजुअल एड्स, वैसे विजुअल एड्स जिसका जो लाइटिंग सिस्टम से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो है नाइट सिस्टम नाइट टाइम में या फिर आपके बैड वेदर कंडीशन में एयरक्राफ्ट को गाइड करते हैं कि किस तरह से लैंडिंग करनी है, उसके लिए हम लोग उसको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।